पनमनखी के कई सेविकाओं ने प्रहलाद मठ प्रांगण में किया बैठक। बैठक में कई मांगों को लेकर किया गया मांग। अब समाचार विस्तार से। आज गुरुवार 12/9/24 को प्रहलाद स्तंभ प्रांगण में सेविका द्वारा बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रही रेशमा कुमारी ने कहा कि मेरा मुख्य मांग मोबाइल रिचार्ज की बढ़ोतरी, गैस सिलेंडर का दाम आकाश छू रहा है, रूम रेंट समय पर नहीं मिलना, बच्चों को खिलाने वाला बर्तन खराब हो गया, वजन मशीन बदलने के लिए कई बार कहा गया, पोषाहार की राशि देर से मिलने के कारण लाभुकों को लाभ नहीं मिलना और भी कई समस्याओं पर चर्चा किया गया। परमनखी में आए दिन सेविकाओं को लेकर कई खबरें चल चुकी है। इसका प्रथम कारण यह है कि सेविका दो भागों में विभक्त है। शायद यही कारण रहा कि एक पक्ष नई CDPO अनीता देवी के ऊपर आरोप पे आरोप मरा जा रहा है। जब CDPO महोदया से बात हमने किया तो उन्होंने बताया कि मीना राही सेविका केंद्र संख्या 25 का हमने जाँच किया था, इसके उपरांत गड़बड़ी पाया गया, इसी कारण से मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। CDPO महोदया को लेकर THR वितरण में धांधली की खबर दिया जा रहा है, जबकि बनमनखी CDPO महोदया ही पूर्णिया DPO महोदया है। ऐसे में एक पक्ष की बात से लाभुक और सेविका इत्तफाक नहीं रखते हैं। अब यहाँ ये बताना जरूरी है कि सेविका मीना राही, जो अपने आप को मनगढ़ंत अध्यक्ष बताती है, इस बैठक में प्रखंड अध्यक्ष रेशमा कुमारी, उपाध्यक्ष अनिल कुमार, महासचिव रमेश यादव, संयोजक अभय पासवान उर्फ डब्बू, सचिन सुबी कुमारी के साथ साथ प्रेमा कुमारी, कुमारी सुनीता, शिवरानी देवी आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। ये जो नई CDPO बनमनखी में आई है, आप लोग सेविका हैं, क्या इनके कार्यकलाप से संतुष्ट हैं? जी, हम लोग नई CDPO जो आई हुई है, इनके सारे कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं। कुछ थोड़ा बहुत हमारी सेविका को दिक्कत है, जैसे अभी पुराना मोबाइल जो है विभाग द्वारा दिया गया था वह मोबाइल ख़राब है, पोषण ट्रैकर के काम में दिक्कत हो रही है, इसलिए नया मोबाइल का मांग किया गया है। रिचार्ज अधिक महंगा हो जाने के कारण रिचार्ज की राशि को बढ़ाने की मांग की गई है। कुछ सेविका के सेंटर पर बर्तन की उपलब्धता नहीं है, वहाँ बर्तन दिया जाए। यही थोड़ा छोटा मोटा जो सब सेविका का समस्या है उसको CDPO को के सामने हम लोग इस बैठक के माध्यम से रखने का प्रयास किए हुए हैं, और आगे इस CDPO से किसी भी सेविका को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। क्या परिचय हुआ मैम? प्रखंड अध्यक्ष रेशमा कुमारी जी। जी धन्यवाद। आपका आपका आप क्या कहेंगे इस CDPO से, कोई आप लोग का दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मांग रखे हैं आज की मीटिंग में? मांग रखे हैं जो अभी रेशमा जी बताई, बस वही सब मांग है हम लोग का। वही मांग है आप लोग का? वही मांग है, सेम मांग है जी, सेम मांग। मैडम के द्वारा किसी प्रकार का किसी भी चीज़ के लिए कोई दबाव किसी सेविका पे नहीं बनाया जा रहा है। मैडम पे आरोप जो भी कुछ थोड़ा बहुत लग रहा है वह सारा गलत है, कि मेरी सेविका भी सारी बताएगी, ये सब गलत है, ये सब गलत है। एक अभी जो कुछ एलिगेशन कुछ सेविका के जो नए पंथ है, नए अध्यक्ष हैं, उनका एलिगेशन है कि CDPO साहब जो हैं यहाँ जो आई हैं वो कुछ हम लोग को सही नज़र से नहीं देख रहे। नहीं, गलत। क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? गलत बात है। किस तरीके से गलत बात? सेविका को कोई कठिनाई का सामना नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ मोबाइल ख़राब है, मोबाइल की मांग की जा रही है। CDPO कार्यकलाप से हम लोग खुश हैं और हमारी सेविका सब खुश है। क्या कहेंगे आप? संयोजक महासचिव जी जो बोले रमेश भाई जी, सब सही बात है, कोई गलत नहीं है। कोई जो अफवाह फैला रहा है यह सब अफवाह गलत है, और जो भी बात है CDPO हो ये DPO हो, दोनों एक ही व्यक्ति है परमनखी और पूर्णिया में जी। इसके द्वारा कोई काम गलत नहीं किया जा रहा है। कुछ आदमी को दिक्कत पहुंच रहा है तो वह अपना पर्सनल मैटर है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है जी। आप क्या कहेंगे? सब गलत आरोप है, सब गलत आरोप, सब गलत आरोप है।